बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको एक नए कानून से बोल रहे हैं, नए फाइन से बोल रहे हैं, अपडेट करना चाहता हूं मैं। एक तो आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा क्या होने वाला है ये भी आपको बता देता हूं मैं। प्रदेशी भाइयों के मुतल खासकर बात करूंगा, और दूसरा आपको एहतियात भी करनी होगी किस मामले में, आपको ये भी क्लियर कर देता हूं मैं। एक यहां पर मैं और पहले आपको मैं एक फाइन बता दूं, यहां पर घरेलू जानवरों के मुतल है जी, ये भी इस वीडियो में चलो आपके साथ अपडेट करता चलूँ। आपने कोई भी जानवर, यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, कोई भी घरेलू जानवर रखा हुआ है, आप उसकी केयर नहीं करते हैं, तो इस सूरत में आपके ऊपर 6 महीने की कैद और 10,000 रियाल का फाइन हो सकता है। कितनी? 6 महीने की कैद और 10,000 रियाल का फाइन हो सकता है, अगर आपने कोई घरेलू जानवर पाला हुआ है और उसकी केयर नहीं करते हैं तो। ये फाइन मैंने बोला आपको इसी वीडियो में अपडेट करता चलूँ, तो एहतियात कीजिएगा इस मामले में भी। अभी जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आ जाते हैं। आपको छोटी सी बात बता दूँ पहले, मैं पब्लिक प्लेस के ऊपर हम अक्सर झगड़ा कर बैठते हैं या बहस मुबहस शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। मैं भाई ताइफ से जब तक नहीं सफ़र कर रहा था, एक रास्ते में चेक पॉइंट के ऊपर रोका गया और ट्रेले में थे हम, मुझे और ट्रेला दोनों को भाई उन लोगों ने अंदर डाल दिया कि ये जो पीछे मशीनरी लोड की हुई है इसका पेपर किधर है। कंपनी की तरफ से आपको पता ही पेपर होता है, एक ये हमारी मशीन है, हम ताइफ से ज़्यादा भेज रहे हैं, तो वो पेपर नहीं हमने लिया था। तो वो ड्राइवर भी साथ में मेरे और मैं भी दोनों रात जेल में गुजारी, गालबन शिवेसी वाली जेल थी, और वहाँ पर हम जेल गुजारी। वहाँ पर दो सरैकी आए हुए थे, बात ये बताना चाहता था, दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, एक का सर फटा हुआ था, दूसरा अभी जख्मी था हल्का फुल्का, और दोनों को उन लोगों ने उठाकर अंदर डाल दिया था। सुबह टाइम उनका कफील वगैरह आए, सुलह वगैरह हो गई दोनों की, और फिर बाद में छोड़ दिया गया। तो ये बात करने का मकसद क्या था अभी सुन ले। पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सिजन मुद्दत है जी, ला तजीद अन तशार है और ग्रामा ला तजीद अन अशरा अल्फ्रियाल है, ठीक है जी। 3 महीने की कैद है और 10,000 रियाल का फाइन है। ये किस चीज़ के ऊपर है? आप पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी भी बंदे के साथ बहस मुबहस शुरू कर देते हैं, उसकी बिस्ती करना शुरू कर देते हैं, सिंपल लफाज में उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती हैं, उसको ताने मारना शुरू कर देते हैं, या उसका गरेबान पकड़ लेते हैं, उसको हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि डराना, धमकाना, बिस्ती करना, उसको ताने मारना, इस चीज़ के ऊपर जी आप घुसा मुसी वाला तो मामला ही नहीं है, वो तो बाद में उसके ऊपर तो फाइन और आपको जेल भी लंबी होगी। ये सिर्फ आप किसी बंदे की नजायज़ इंसल्ट करते हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर, आपको उस चीज़ के ऊपर 3 महीने का 10,000 रियाल का फाइन है। अभी आपको परदेशों को इससे फायदा ये होगा कि कोई सऊदी भी आपकी शरे हम भाई बिस्ती वगैरह नहीं कर सकता है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं 911999 के ऊपर, ठीक है जी। एहतियात ये करनी है आपने कि आपने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, वरना आपको भी 10,000 रियाल भाई देने पड़ सकते हैं और साथ में 3 माह की कैद है। आप इसके मुतल आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।